शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सिंपली माइंड ब्लोइंग। तुम खामखा प्रेशर ले रही थी, इतना अच्छा तो गिटार बजाया तुमने। उसका नाम रियली बढ़िया, सीरियसली। इसके पहले कि मैं और ओवर एक्साइटेड हो जाऊं, स्टेज पे जाके और एक अनाउंसमेंट करनी है। ओके। पर मैं अभी आया। ओके, डोंट गो एनीवेयर। Thanks, Anu. What a performance, yeah! Superb, rocking. सच? तुझे अच्छी लगी? अच्छी? अरे मेरे friends तो पागल हो रहे। दी, अगर आपके पास में 5 मिनट होगा तो उनके साथ pics click करा दीजिए ना। और वो लोग यहाँ तक की कह रहे हैं कि अब दी को बोलो कि खुद का एक band form करे। ये लोग भी साथ चलने को ready है। मुस्कान, भाभी, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा, इतना कमाल का performance करोगी। Rocking, हाँ? I know, मुझे तो ऐसा लगा था जैसे इन दोनों ने मिलकर स्क्रिप्ट बनाई हो, एकदम टीवी सीरियल जैसे। शुरू शुरू में टेंशन क्रिएट करना, फिर बाद में रॉकिंग परफॉर्मेंस। हां सीरियसली, ऐसा लग रहा था जैसे मतलब दोनों कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे थे। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी, दोनों इतने प्यारे लग रहे थे साथ में। आई मीन इतने कम टाइम में इतना अच्छा डुएट परफॉर्मेंस, वेरी गुड, वेरी नाइस, कमाल। अच्छा दी, अभी आप चिल करो, हम बाकी के परफॉर्मेंस देखते हैं। हम बाकियों से मिल के आते हैं। बाय बाय। अनुष्का, तुम खुश तो हो ना? थैंक्स मुस्कान, थैंक यू सो वेरी मच। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज तुमने रोहन को कितनी बड़ी खुशी दी है। हमें इतना बड़ा आइडियट है कि जब खुश होता है ना तो स्माइल भी नहीं करता, लेकिन मुझे पता है उसकी आंखों में दिखता है कि वो बहुत खुश है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा लेकिन फिर भी तुमने रोहन का साथ दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि रोहन की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मुस्कान, अगर आज तुम नहीं रुकती ना तो इस इवेंट को इतनी ग्रैंड ओपनिंग बिल्कुल नहीं मिल पाती, और रोहन इस बात से बहुत अपसेट हो जाता जो शायद मैं कभी नहीं देख पाती। और
इस बात के लिए थैंक्स तो बोलना बनता है ना, इसलिए तो मैं थैंक्स बोल रही हूँ। आई एम सॉरी अगेन। क्या हुआ मुस्कान, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मॉम का कॉल है, मुझे जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें ड्रॉप करूं? बताओ कहाँ जाना है। और वैसे भी रोहन ने तो तुम्हारा पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी आज मेरे हाथ में दिया है ना, मैं आज तुम्हारी ड्राइवर या कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि रोहन की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, उसका ऑर्डर मेरी कमांड है। नहीं, इट्स ओके। आई थिंक रोहन को तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, तुम जाओ प्लीज। यू श्योर? आई एम श्योर, प्लीज जाओ। ओके।
तेरे साथ क्या हो रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ वक्त बिताता हूं। We spend so much time together. पर आज के पहले मैंने अपने आप को कभी तुम्हारे इतने करीब नहीं पाया। जब आप वहां स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तो ना जाने क्यों मुझे लगा कि मैं तुम्हें सालों से जानता। ऐसा लगा कि हमारा कोई रिश्ता है जो हमें बार बार कनेक्ट किया जा रहा है एक दूसरे से। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? यही वो फीलिंग है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा और ना ही शब्दों में बयान कर पा रहा हूं। मुस्कान, एक बात बता, डू यू फील द सेम? तुम मेरे साथ होती हो क्या तुम्हें यही फीलिंग्स होती है? कुछ अजीब लगने लगता और वो अजीब भी अच्छा लगने लगता और तुम उसी फीलिंग्स में रहना चाहती हो। क्या भी तुम्हारे साथ होता है? समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। हाँ, आज की हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन बस वही। अब मुझे चलना चाहिए। अनिरुद्ध के पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। चीफ गेस्ट आ चुके हैं। लोग आपको इतना कॉल कर रहे हैं, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आ रहा हूं जी, प्लीज कम। मैं रात को तुम्हें फोन करूं।
होगा भैया। क्या करूं? मॉम या अनिरुद्ध को फोन करना बेकार होगा। अगर उन्हें पता चला कि मुझे आने में देर होने वाली है तो दोनों बहुत हाइपर हो जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, डैड को मैसेज करती हूँ। डैड कहाँ हो आप? अनिरुद्ध के मॉम डैड आए क्या? बेटा मुस्कान अभी तक नहीं आई। मॉम आ रही होगी, आप बैठिए ना। कम आप जी, एक बिजनेस कॉल है, आई विल टेक इट इफ यू डोंट माइंड। यस श्योर श्योर। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं प्लीज। वो लोग आ चुके बेटा, मैं उनके साथ हूं, पर तुम कहां हो? वैसे आप लोग ने अच्छा किया इस वक्त यहां पर आए। नवंबर दिसंबर में यहां का वेदर बहुत अच्छा होता है। हो प्लीज, इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट की क्लर्क की तरह बातें मत कीजिए। व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस कंट्री? पोल्यूशन, बैड ट्रैफिक, डाउन मार्केट लोग। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि लोग इस देश में रहते कैसे हैं। इंडिया में खड़े होकर इंडिया की बुराई, दैट्स नॉट डन। भाई अंग्रेजों ने भी इस देश से इतनी नफरत नहीं की होगी। इसका मतलब है आप इंडिया में पैदा नहीं हुई थी? आई विश दैट वाज ट्रू, लेकिन मेरा ये जो बेटा है ना, इसे यही देश पसंद है। अच्छी बात है ना, यहाँ नहीं आता तो मुस्कान से कैसे मिलता और हम सबसे कैसे मिलता, है ना? रास्ते में हूँ, पहुंचने वाली हूँ डैड, लेकिन देर से आने का क्या रीजन दूँ? प्लीज हेल्प मी। वैसे निमी जी, आपके लिए छोटे मोटे गिफ्ट है। हो प्लीज, अगर छोटे मोटे हैं तो रहने दीजिए। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वैसे मुस्कान दिखाई नहीं दे रही, अनिरुद्ध कहाँ है वो? वो एक्चुअली इतनी लंबी ट्रिप के बाद आप लोग थक गए होंगे, आइए बैठिए ना। आप खड़े क्यों? ओह या या श्योर, आइए बैठिए। इंडिया की मिठाई खाइए, बहुत टेस्टी होती है मॉम। एक्चुअली मेरा ही कसूर था, मैंने मुस्कान को थोड़ा लेट बुलाया था। शी विल बी कमिंग एनी टाइम नाउ, कभी भी आ जाइए। अनी मुस्कान का है? मेरा फोन नहीं उठा रही, मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रही है। मम्मी डैडी यहाँ के रुके, अगर लेट होगी तो बुरा लग सकता है उन्हें। I'm sorry बेटा, मुझे नहीं पता था वो ऐसे बिहेव करेगी, लेकिन उसने कहा कि वो वक्त पर पहुंच जाएगी। सरप्राइज। अरे मुस्कान,